हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर के शिवलिंग पर लेप तारा रात्रि से लेकर शिवरात्रि तक माखन का लेप चढ़ना शुरू हो गया है। वहीं पहले दिन शिवलिंग पर माखन चढ़ाकर संगमेश्वर महादेव की तरह शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। आपको बता दें कि छोटी काशी मंडी में इस दिन से महाशिवरात्रि का आगाज हो चुका है। अब शिवरात्रि वाले दिन तक रोजाना इस शिवलिंग पर माखन चढ़ाया जाएगा और प्रतिदिन भगवान शिव के विभिन्न रूपों की आकृतियां बनकर भक्तों को दर्शन करवाए जाएंगे। वे पहले दिन हरियाणा के पहेवा में स्थित संगमेश्वर महादेव की तरह भूतनाथ बाबा का श्रृंगार किया गया। बाबा भूतनाथ मंदिर के पुजारी महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि रोज भक्तों द्वारा मंदिर में चढ़ाए जाने वाले माखन को शिवलिंग पर लेप के रूप में चढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में मनाई जाने वाली शिवरात्रि विश्व भर में प्रसिद्ध है। राजाओं के दौर में यहां शिवरात्रि महोत्सव मनाने की परंपरा रही है और इसे सरकारी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। जब राजाओं के दौर थे तो उस वक्त शिवरात्रि से एक महीना पहले यानी तारा रात्रि को राजा की उपस्थिति में बाबा भूतनाथ मंदिर के शिवलिंग पर माखन चढ़ाया जाता था। आज ये परंपरा मंदिर के पुजारी द्वारा निभाई जाती है। आज बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में तारा रात्रि का जो मक्खन का प्राचीन परंपरा है उसका निर्माण करते हुए बाबा को अर्धरात्रि में मक्खन चढ़ाया गया और ऐसे करके शिवरात्रि तक पर डे रात्रि में मक्खन चढ़ाया जाएगा और श्रृंगार किया जाएगा। तो इस प्रकार आज संगमेश्वर महादेव मंदिर पहेवा कैथल हरियाणा के स्वरूप में किया गया है, जो कि बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। स्वयंभू शिवलिंग है और उसकी बड़ी प्राचीन महिमा बताई गई है कई पुराणों में, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और कई पुराणों में उसकी प्राचीन महिमा बताई गई है कि महादेव भोलेनाथ का माता सरस्वती जी को कुछ श्राप था, कुछ ऋषियों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए कि माता सरस्वती को श्राप मिला, तो माता सरस्वती ने 88,000 ऋषियों के द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें यज्ञ स्वरूप माता सरस्वती जी को उस श्राप से मुक्ति हुई, जो भगवान शंकर के निर्देशानुसार 88,000 ऋषियों ने यज्ञ करके माता सरस्वती का पाप से मुक्ति दिलाई। तो आज बाबा भूतनाथ जी का श्रृंगार दो दो स्वयंभू शिवलिंग के स्वरूप में है, जिसकी पूरे समाज को, पूरी व्यवस्था को, बाबा के जो भी भक्तगण हैं उनको सभी को डबल स्वयंभू शिवलिंग की आशीर्वाद प्राप्त होगा और अगले दिन फिर अगला कुछ श्रृंगार किया जाएगा।